यह बाण फैर गया यहाँ से बेदनी बुग्याल का पैदल मार्ग शुरू हो गया है। यह है लाटू देवता का मंदिर जिन्हें नंदा देवी का धर्म भाई माना जाता है। बुग्याल के ट्रैकिंग मार्ग में शेखर भाई थक गए हैं बहुत, हम भी थक गए हैं क्योंकि अभी हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा कर चुके हैं। अब अभी उससे ज़्यादा हो गया होगा और ऊपर का सुंदर वो देखिए वो ऊपर अभी और ऊपर पेड़ वो पहाड़ पर चढ़ना है फिर वहाँ से डाउन है। देखिए ठंड की वजह से जुलाई में यहाँ गेहूँ काटे जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा वाह रोगी हमारे थक गए हैं। नील गंगा का भव्य नजारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं स्वर्ग नगरी में आ गए हम लोग। बिल्कुल स्वर्ग नगरी लग रही है स्वर्ग। ये हमारे सती भाई हैं ट्रैकिंग के रूट में। सती भाई आपको कैसा लग रहा है मजेदार? अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। तो साउंड नील गंगा से ऊपर को चढ़ रहे हैं यहाँ से अभी सीढ़ी चढ़ाई नीचे नदी देखिए और बड़ी शमशान जगह है। मैं आपको दिखाऊं पूरा जंगल का एरिया। अब हम यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे। शेखर भाई थक गए हैं, ये बहुत चढ़ाई है। पवन भाई बैठे हैं, अभी बहुत ऊपर को चढ़ना है। आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं हम अभी लगभग, आधी तो नहीं कहेंगे आधी आधी अभी बहुत है। उसके बाद हमने एक क्या ही चढ़ चुके हैं, थकान भी बहुत लग गई है। बहुत ऊपर चढ़ना है, इतना चढ़ गए हैं कि अभी लगभग 11 किलोमीटर पैदल चल गए हैं। शेखर भाई क्या हालत ख़राब है भाई, अब कह रहा है कि फेफड़े भी जवाब देने लग गए। अब देखो पूरा कोहरा है और रास्ते में बहुत खराब है, ऐसा हो रहा है कि अब फाइनल की ओर है। लगता तो है कि अब बुग्याल आ गया है, आ ही गया है। और पहले ही भाग गया, उसको दिख गया शेखर भाई बिल्कुल बुग्याल, वो देखो चले गया। ये पवन भाई दौड़ लगा दी। पवन भाई हमारे शेरा भाई भी थक गए हैं बिल्कुल, और पवन भाई आए हैं जल्दी भाग जा रहे हैं। ये ऊपर पहाड़ी अब दिखने लग गई है अंतिम छोर की, और सबसे ज्यादा ये देखो दो हमारे साथ दो गण चल रहे हैं, पूरा साथ दिया है इन्होंने। और इनका तो ऐसा लग रहा है कि जो है कैसे चलें अब। देखो इनकी स्थिति देखो। हाँ हाँ शेखर भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ गया है, हालत बहुत खराब है। अगली बार भी आएंगे आप? मेरी उसकी बात नहीं है, हाथ जोड़े आराम करने, लास्ट बार देखने उसकी बात नहीं है। शेखर भाई आज थक गए हैं बहुत, थक क्या गए हैं सभी लोग थक गए हैं। ऐसा है कि हम लोग बहुत चल गए हैं, 12 किलोमीटर लगभग, ये फाइनल 12 किलोमीटर लगभग हम पहुंचने वाले हैं। पवन भाई ऊपर बैठ गए, ये देखो शंकर महादेव पहुंचने वाले हैं विशाल में। ये हमारे
दो गण ऊपर चल रहे हम पहुंच चुके हैं बेदनी बुग्याल। अब आपको दिखाएंगे यहाँ का सुंदर दृश्य। नेचुरल ब्यूटी आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य की अलग ही छटा। अब बढ़ते हैं आगे। देवी राज यात्रा भी यहीं से होते हुए निकलती है। दिख रहे हैं आपको अलग अलग कलर में, ये देखिए ये छोटे छोटे, ये बहुत ही सुंदर फूल। वाह, वो आगे तक देखिए, सफेद फूल हैं, लाल हैं, पीले हैं। वाह क्या बात है, देखिए पूरा ग्राउंड में देखो फूल ही फूल। वाह, तो जाइए ना। कितनी बार बनाएगा, सब वीडियो बना दी मैंने, एक से वीडियो बना दिया।
अभी हम लोग बेदनी बुग्याल की यात्रा करके वापसी में आ चुके हैं। ऊपर को जाते वक्त हमको 4 घंटे लगे थे, अभी नीचे को आते वक्त महज 1.5 घंटे में पहुंच, लगभग 1.5 घंटे का सफर कर दिया है, अभी और आगे है। देखिए पवन भाई थक गए, नहीं हम कम और थके। शेखर भाई ज्यादा थके हुए, शेखर भाई बिल्कुल थक चुके हैं। शेखर भाई कैसा रहा सफर? आवाज ही नहीं आ रही है। और वो हमारे उधर वो बैठा है, देखो गाइड बैठा है, देखो वो ही थक गया बेचारा। लगभग जो है हमने अभी 22-23 किलोमीटर की आज पूरी यात्रा कर ली है, 12 किलोमीटर चढ़ाई करी है और अभी कम से कम हम 9 किलोमीटर लगभग वापसी आ गए हैं। अभी और है, हम आगे का सफर है, अभी समय भी हो चुका है 6:30 लगभग। जय हो।